आज हम चपली कबाब बनाने लगे हैं। मुझे चपली कबाब के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने 2 kg कीमा लिए है, लैम कीमे मेरे पास, ये टमाटर लेके इनको इस तरह स्लाइस में काट लें, जब हमने कबाब बनाने हैं तो उनके ऊपर ये टमाटर आएंगे। 2 मैंने ओनियन लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है, और अगर इनका पानी ओनियन का निकले तो आपने इसको निचोड़ लेना है। और 2 मैंने टमाटर लिए हैं, उनके अंदर से सीड्स निकाल के आपने इनको अच्छी तरह बारीक चॉप कर लेना है। और इसी तरह 2 ग्रीन चिली है और थोड़ा सा हरा धनिया, आपका बेसन है, और 2 अंडे लेके मैंने उनको नॉन स्टिक पैन में बना लिया है। इसमें आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना ना नमक मिर्च डालनी है। 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून गरम मसाला है, और इसी तरह 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 चम्मच काला नमक, ब्लैक सॉल्ट जिसे कहते हैं, 1 टीस्पून अजवाइन है, 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड जिसे टार्टरी भी कहते हैं, और अगर आपके पास अजीनोमोटो है तो आप वो डाल लें, और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स है, 1 अदद अंडा है, और इसी तरह थोड़ा सा मैंने ये साबुत धनिया लिया है, और 1 लाइम है, आपके पास जो भी हो, लेमन हो या लाइम हो आप उसका जूस डाल सकते हैं। अब कीमे के अंदर सारे इन्ग्रीडियंट्स जाएंगे। इस तरह धनिए को हथेली पे मसल के आपने डालना है। एक अंडा मुझे कम लगा इसलिए मैं एक और अंडा इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। चपली कबाब का सारा मसाला मिक्स हो गया, अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि ये लम्स जो है ना वो ना रहे। चपली कबाब बनाने के लिए हाथों को थोड़ा सा गीला करके या पानी के साथ आपने एक पेड़े जितना लेने, इसको दबा के आपने इसको भी पानी के साथ गीला करना है, और चाहे तो आप इसको ऑयल के साथ भी काट सकते हैं। इस तरह करने के बाद आपने एक टमाटर का पीस इसके ऊपर रखना है और ज़ोर से दबा देना है, आराम से उठा के हमने ऑयल के अंदर डालना है। हमारे मज़ेदार चपली कबाब तैयार हो गए हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।